हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 18 किया था, आज 19 चैप्टर नंबर, और चैप्टर का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब व्हाट आर सेंटेंसेस? सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो हम वर्ड्स के कंप्लीट स्टेटमेंट, कमांड, हर एक चीज़ बराबर होती है, हर एक एक वर्ड्स उसके अंदर होते हैं जो हम कहना चाहते हैं, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इट सेल्फ एंड कन्वे अ स्टेटमेंट, कमांड, क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ सेट ऑफ वर्ड्स यानी पूरे एक वर्ड्स का झुंड या फिर उसका पूरा सेट हो, उसे कंप्लीट स्टेटमेंट में हो या कमांड में हो या क्वेश्चंस में हो या एक्सक्लेमेशंस में हो, उन्हें सेंटेंस कहते। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, और वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में होते। सेंटेंस आर थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं? थ्री। सबसे पहले सिंपल, फिर कमांड और फिर कॉम्प्लेक्स। ये थ्री टाइप्स है सेंटेंस के, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक ही होता है। अब देखो एग्जांपल्स में, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। वो लोग शाम को उन लोग ने रेस्ट किया। अब इसमें दे जो हमारा है वो क्या है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। फिर द मून शोन ब्राइट। मून बहुत ज़्यादा चमक रहा है। शीला वेंट टू द स्टोर अलोन। शीला अकेले दुकान पर गई। द काउ जम्प्ड ओवर द मून। काउ मून के ऊपर से जंप किया उसने। आई हेट लाउड म्यूजिक। मुझे ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक पसंद नहीं है। अब ये नीचे देखो, इन द अबव सेंटेंसेस ऑल द हाइलाइटेड वर्ड्स फ्रेजेस आर सब्जेक्ट्स। जो भी हमारे हाइलाइटेड वर्ड्स है, जैसे दे है, द मून, शीला, द काउ या फिर आई, ये सारे क्या है? सब्जेक्ट है। एंड ऑल द अंडरलाइन ग्रुप्स ऑफ द वर्ड्स आर प्रेडिकेट्स। और उसमें जो अंडरलाइन किए हुए ग्रुप जो वर्ड्स है वो क्या है? प्रेडिकेट। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज। अब कोई सेंटेंस का या कोई पार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट या प्रेडिकेट बताता हो और उसे कंप्लीट सेंस में लेकर उसे बनाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। सॉरी, क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज। नेक्स्ट, अ सिंपल सेंटेंस हैज एन इंडिपेंडेंट क्लोज दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अ सिंपल सेंटेंस में जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते और उनमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। एंड इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। और वो पूरे कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है, यानी जो हम सोच रहे होते वो पूरा एक्सप्रेस करता है सेंटेंस में। नेक्स्ट, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू प्रिंसिपल्स क्लोजेस जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कंपाउंड सेंटेंस जो होते वो दो प्रिंसिपल क्लोज से जॉइन करके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बनाते। जैसे कि एग्जांपल, द डे वाज वेरी हॉट, वी वेंट फॉर अ लॉन्ग स्विम। आज का दिन बहुत ही गर्म था तो हम स्विमिंग के लिए गए। द डे वाज वेरी हॉट एंड वी वेंट फॉर अ लॉन्ग स्विम। आज का दिन बहुत गर्म था और हम स्विमिंग के लिए गए। यहाँ पे जो एंड है वो हमारा क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
और ऐसे हम यूज़ करके पूरा कंपाउंड सेंटेंस बना दें। अर्जुन मे कम दिस इवनिंग, ही मे कम टुमारो मॉर्निंग। अर्जुन मे कम दिस इवनिंग और ही मे कम टुमारो मॉर्निंग, इसमें और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इन द अबव सेंटेंसेस द हाईलाइटेड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जॉइन द प्रिंसिपल क्लोजेस। इसमें जो प्रिंसिपल क्लोजेस है यानी अलग अलग क्लोज है, उन दोनों को ज्वाइन करके किया है किसके ज़रिए से, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। ईच पार्ट यानी क्लोज कंटेंस अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट फॉर इट्स ओन। इसमें हर एक के पार्ट में अपने अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। ईच क्लोज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। हर एक क्लोज दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल हैज अ मीनिंग ऑफ इट्स ओन। सम कॉमनली यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर, कुछ ज़्यादातर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो नीचे दिए हुए बॉक्स में, हाईलाइटेड बॉक्स में। सबसे पहले है फॉर एंड, नॉर बट और येट एंड सो। ये छः सात कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है जो कि कॉमनली यूज होते। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लोज। सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट क्लोज या फिर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज से बना होता है। एग्जाम्पल, ओपन द डोर आफ्टर सीइंग थ्रू द की होल। वी लेफ्ट द कार इन द पार्किंग लॉट वाइल वी वेंट अबाउट अवर शॉपिंग। माई सिस्टर एंड आई कुड बी मिस्टेकन फॉर ट्विंस, टू आई एम अ लिटल टॉलर। अब देखो, हर एक सेंटेंस में पहले अपने पढ़ा सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट था, है ना, और कंपाउंड सेंटेंस में एक ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन था और वहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लोजेस यूज होते थे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज़्यादा हम डिपेंडेंट क्लोज यूज़ कर सकते और उसका प्रेडिकेट भी और सब्जेक्ट भी थोड़ा अलग रहेगा। थर्ड नंबर वाला देखो, माई सिस्टर एंड आई कुड बी मिस्टेकन फॉर ट्विंस, थ्रू आई एम अ लिटल टॉलर। लेट अस लीव बिफोर द क्राउड गेट्स अनरूली। इन द अबव सेंटेंसेज द हाईलाइटेड ग्रुप्स ऑफ द वर्ड्स आर इंडिपेंडेंट क्लोज। इसमें जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स दिए हुए तुम लोग को, वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोजेस है, बाकी सारे हमारे प्रेडिकेट्स है। सम कॉमनली यूज सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर। अब इसमें हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। नीचे तुम लोग को ये बॉक्स में, हाईलाइटेड बॉक्स में सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस दिए हुए। सबसे पहले आफ्टर, अनलेस, टू, फिर सेकेंड लाइन में सिंस, वेरेस, अनटिल, थर्ड में इफ, वेरेवर, वैन, इवन, वाइल, व्हेनेवर, बिकॉज, अल्टू, एज। ये सारे क्या है, कॉमनली यूज होने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सेंटेंसेस एंड हाउ मेनी टाइप्स आर देयर एंड हाउ इट कुड बी यूज्ड। सो हियर आवर चैप्टर आर कंप्लीटेड and you have to complete your practice time and exercise what else are given. You can find it from Ikra. Okay, thank you, bye bye.